नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर और इस रिले की वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आता है ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग को लेकर, तो इसमें ये भी क्लियर करेंगे और ये रिले हमारा वर्क कैसे करता है ये भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये एक डिमांड है, उसी पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं इमरजेंसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई भी स्टेबलाइजर का अगर ट्रांसफार्मर है तो वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। वो दो तरीके से काम करता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, दोनों तरीके से। स्टेप अप इस साइड से काम करता है, स्टेप डाउन इस साइड से काम करता है। अब इसके पहले सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं कि जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर, अगर मान लीजिए कोई स्टेबलाइजर रिपेयर के लिए आता है तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा सही है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग है तो सीरीज में ही क्लियर हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लें। सिस्टम समझने के बाद आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये चाहे ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर हो, चाहे ईआई बेस का हो, ठीक है, कोई भी कोर पे ट्रांसफार्मर में हो, तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर अगर स्टेबलाइजर का है तो उसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे ये न्यूट्रल है, ठीक है, एक लाइन जो कि ट्रांसफार्मर में ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, न्यूट्रल जो अंदर से निकलता है, ठीक है, मतलब वहीं से लपेटने का स्टार्ट किया जाता है वायर। अब वायर को लपेटते लपेटते जब पहला लूप आउट होता है बाहर, तो वो पहला होता है, ये टर्न जो होता है पहला लूप का, ये टर्न इस पे डिपेंड करता है कि ये हमारा स्टेबलाइजर कितने वोल्टेज का बनेगा, यानी कितना इनपुट यहाँ पर हम देंगे कम से कम। जैसे ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जो यूज किया जाता है, ये ज़्यादा और कम दोनों के प्रोटेक्शन को देखते हुए स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। कि अगर अधिक वोल्टेज आया, यानी इसका जो वोल्टेज रेंज होता है जैसे न्यूट्रल से लेकर यहाँ तक 299 यानी 300 वोल्ट होता है, तो ये आपका यहाँ से जीरो से लेकर, यानी इसे जीरो ही कहेंगे, न्यूट्रल है, तो यहाँ से लेकर 440 वोल्ट तक के भी स्टेबलाइजर डिज़ाइन किए जाते हैं। कि इतने वोल्टेज के बीच की कोई भी मतलब एरिया हो, यानी कोई भी स्टेप हो वोल्टेज का, डाउन का स्टेप या हाई का स्टेप, वो कंट्रोल करके जो आउटपुट आपको देगा वो 220 देगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है कि 0 से 300 है, यानी 290 है, तो यहाँ से 0 से 290 300 बोलते हैं, ठीक है, वो सीधा रहेगा, तो इसके अंदर का वोल्टेज, ठीक, जो होगा वो कवर करेगा, ये इसकी कैपेसिटी हो गई वोल्टेज की। अब वाटेज का अलग है कि 3 KVA हुआ कि हमारा 2 KVA हुआ कि 5 KVA या 10 KVA, वो अलग है। लेकिन आज एक सैंपल बेसिक मेथड बताते हैं चेक करने का। अब आइए यहाँ पर देखिए, जैसे न्यूट्रल है तो ये पहला जो टर्न आउट हुआ, लूप आउट हुआ, तो इसका जो लूप का वोल्टेज होता है, टर्न वोल्टेज, ये उस पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा 60 वोल्ट है कि ये जो है, एक मिनट कोई देखते हैं आता है, अभी समय जो वोल्टेज, इस समय जो वोल्टेज के प्रॉब्लम को देखते हुए स्टेबलाइजर डिजाइन हो रहे हैं, वो मिनिमम यानी कम से कम 45 वोल्ट, यानी 45 वोल्ट। अब 45 से 50, 55, 60, 90, यानी इसका जो वोल्टेज रेंज होगा ये हमारा 45 वोल्ट से स्टार्ट होगा जो कम से कम होगा, और 50 वोल्ट भी हो सकता है, ये 55 वोल्ट भी हो सकता है, ये 60 वोल्ट भी हो सकता है, 65 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 70 वोल्ट यानी 70 वोल्ट, फिर डायरेक्ट ये 90 वोल्ट, फिर ये जो है देखते जाइए 110 वोल्ट, फिर 140 वोल्ट। ये वोल्टेज एरिया इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी स्टेबलाइजर बाई करते हैं, ख़रीदते हैं, तो इसमें जो है वोल्टेज के हिसाब से उसके जो है प्राइस में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए एसी के वोल्टेज स्टेबलाइजर जो भी मिलते हैं ऑनलाइन या जो भी डिज़ाइन देखते होंगे, बहुत कम 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, लेकिन वहाँ पर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें की वोल्टेज रेंज कितना है, क्योंकि जो
वैसे नॉर्मल वोल्टेज जहाँ अवेलेबल हैं, जैसे अदर सिटी हैं जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग कम प्रॉब्लम है, वहाँ पे 170 140 वोल्ट का भी इनपुट जो है लिया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं भी वैसे जगह पे है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग बहुत कम है, यानी बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि 50 वोल्ट या 45 वोल्ट इनपुट हो रही है, अभी इस समय का जो कंडीशन है हमारा, अभी हम चेक करवाए हैं तो ये करीब 35 वोल्ट तक भी ड्रॉपिंग जा रहा है इस समय। तो इसमें देखिए, जब हम कोई भी स्टेबलाइज़र ख़रीदते हैं तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज एरिया होता है इनपुट का, जो पहला लूप का, तो ये मान लीजिए इसको हम 50 वोल्ट लेते हैं, तो ये 50 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक, तो ये पहला लूप जो निकला 50 वोल्ट, अब ये 50 वोल्ट से ये यहाँ पे 200, ये 300 वोल्ट इसको मानते हैं, 290 वोल्ट वैसे होता है लेकिन 300 वोल्ट हम कवर करते हैं, क्योंकि किसी किसी में 300 वोल्ट भी थोड़ा टर्न बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए उसमें अंतर होता है 230 और 240 वोल्ट का, जो डिफरेंस होता है आउटपुट जो मिलता है। देखिए अब ये हो गया 50 से 300 यहाँ पे, अब यहाँ पे जब इनपुट हम देंगे, अब इसको हमको पता करना है कि ये कितने वोल्टेज का है ये हमारा जो स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले हमको यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से भी पता लग सकता है लेकिन कैसे, जब आप यहाँ स्टार्टिंग और एंड, यानी ये हो गया एंड पॉइंट, ठीक, जहाँ टर्न स्टॉप हुआ, और ये हो गया स्टार्ट, थोड़ा स्लिप खा रहा है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो स्टार्टिंग हुआ और यहाँ आके एंड हुआ, ये जो टर्न लपेटा गया। तो अब यहाँ पे जब ये 50 वोल्ट है, तो अगर हमको चेक करना है कि कितने वोल्टेज का है, जैसे किसी किसी में मान लीजिए 90 वोल्ट का है या 70 वोल्ट का है या 55 का है, तो सबसे पहले आप सबसे कम पे ले आइए, सबसे कम मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, ये सब छोड़ दीजिए, ओपन कर दीजिए, यहाँ पे आप सबसे पहले 50 वोल्ट इन करिए। 50 वोल्ट को बैरिक से घुमाते 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 पहले तो देख लीजिए, अगर 50 वोल्ट दिए और यहाँ मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पे एसी के रेंज पे लगाइए, और यहाँ से और यहाँ पे ये मल्टीमीटर का प्रॉब हो गया, ये प्रॉब है, ये भी प्रॉब है, ये भी प्रॉब है एसी के रेंज में, ठीक है, एसी के रेंज में। अब यहाँ पे जब देखते हैं, जब यहाँ 50 वोल्ट दिए इन कराए, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 200 वोल्ट मिलेगा, 200 वोल्ट, अगर ये 200 वोल्ट मिलता है 50 वोल्ट देने पे, अगर 200 वोल्ट मिलता है तो ये हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर ये हो गया हमारा 50 वोल्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 50 वोल्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 50 वोल्ट इनपुट किए यहाँ पे और मल्टीमीटर का जो प्रॉब यहाँ पे लगाए लास्ट स्टार्ट और एंड पॉइंट पे, और यहाँ पे मल्टीमीटर में अगर ये 200 वोल्ट दे रहा है, तब इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइजर का, ये 50 वोल्ट का है। लेकिन अगर 50 वोल्ट देने पे यहाँ पे अगर 160 वोल्ट या 165 या 170 वोल्ट दे रहा है, तो धीरे धीरे इस बैरिक को यहाँ पे बढ़ाते जाइए, 55 60 और मान लीजिए 65 किए, तो जैसे 65 किए तो यहाँ पे 200 आ गया, ठीक, 200 आ गया, तो इसका मतलब ये 65 वोल्ट का हुआ। फिर अगर ये 70 करने पे, 70 वोल्ट करने पे ये 200 हुआ, ठीक है, तो ये 70 वोल्ट का हुआ। अगर ये 90 वोल्ट करके 200 रेंज कवर किया, यानी इसी पे हम ये जो है घुमा कर देखेंगे, इसी इसको इनपुट मानेंगे, ठीक है। अगर ये 110 देने पे 110 होता है, अगर 110 वोल्टेज देने पे 200 वोल्ट होता है, ये सॉरी 200 वोल्ट होता है, तो ये 200 वोल्ट यहीं का बता रहे हैं, ये स्टार्ट और एंड का, ठीक है, तो ये 110 वोल्ट का ये हुआ। और पुराना जो ओल्ड मॉडल हमारा होता था, ये 140 वोल्ट का होता था, ठीक है, पुराने डिजाइन का। तो इस समय बहुत लोग पुराने पुराने ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर को निकालते हैं,
कि लाओ इसी को रिपेयर करा लें, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉपिंग है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जहाँ पे ये मान लीजिए 90 वोल्ट है या 55 वोल्ट है, इनपुट बहुत ही कम आ रहा है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करता। अभी 140 जब इनपुट होगा तब यहाँ पे 200 मिलेगा, अदरवाइज कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे जो भी इनपुट कराते हैं, तो इनपुट कराने का मतलब हुआ कि जैसे ये 90 वोल्ट है, तो यहाँ से और यहाँ तक, अब ये जो है आउटपुट जो मिलेगा आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जो आपका ये आउटपुट होगा स्टेबलाइजर का आउटपुट, ये यहाँ पे मिलेगा, और ये एक ऑटोमेटिक ये यहाँ पे वो टाइमर रिले लगा हुआ है जो ऑटो कट का भी काम करता है। और ये शुरू शुरू में भी ये एक प्रोटेक्शन के रूप में भी इसको लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब कोई सप्लाई इन होती है, पहले ट्रांसफार्मर का कंप्लीट कर दें। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने अपने पॉइंट पे ये सेट होता जाएगा, और सेटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और इसे सेंस कौन करेगा, एक ऑटोमेटिक बोर्ड आता है जो ये इसका ड्राइवर बोर्ड होता है, ये मतलब जो स्टेबलाइजर का ड्राइवर बोर्ड होता है ऑटोमेटिक, एक मैनुअली होता है जिसमें प्रीसेट द्वारा हमको अपना उससे बैरिक से सेट करके सेट करना पड़ता है। एक होता है ऑटोमेटिक, एक बार सेट कर दीजिए 90 पे ले जाकर 200, उसके बाद ऑटोमेटिक को सेंस कर लेगा, मतलब अपना जितना स्टेप उसका होगा अपना वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो इसे जैसे जैसे इनपुट हमारा बढ़ता जाएगा उसे उसे सेंस करता जाएगा वो आईसी, वो प्रोग्रामर, वो प्रोग्रामिंग आईसी जो, तो उसके सेंसिंग से यहाँ पे वोल्टेज के स्टेप चेंज होते जाएंगे, अपने अपने जगह पे जो है वोल्टेज इनपुट होके आउटपुट मिलता जाएगा जो कांस्टेंट होगा, ठीक। अब देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं, तो ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए तो पहली बात तो सीरीज में देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो तुरंत EMCB होगा तो ब्रेकडाउन होगा, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो सीरीज में एक बल्ब लगा के आप चेक कर सकते हैं कि जैसे 220 के रेंज में अगर चेक करते हैं तो एक न्यूट्रल ये डायरेक्ट जोड़ दें और दूसरा में जो है एक बल्ब लगा लें, ठीक। उसके बाद दूसरा जब यहाँ पे टच करेंगे, ये बल्ब हो गया आपका 100 वाट, तो 220 सप्लाई यहाँ पर दिए, अब यहाँ पर लगाएंगे सप्लाई तो ये वोल्टेज ग्लो होगा, क्योंकि 220 आ रहा है ना, तो ज़्यादा है, तो ये सप्लाई जो है ये मतलब ये क्या नाम है सॉरी ये बल्ब ग्लोइंग करेगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ये ऐसे इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बल्ब का जो पॉइंट है, ऐसे यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी नहीं जलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे इधर आएंगे तो जैसे जैसे उसकी जैसी टर्निंग छोटा होगा, अगर ये 50 वोल्ट का होगा तो बहुत तेज़ जलेगा, ठीक है। इसी से क्लियर हो जाएगा ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट नहीं है। और अगर ये शॉर्टिंग होगा तो इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे तो फुल मोमेंट में जलेगा, यहाँ लगाएंगे तो फुल मोमेंट में, यहाँ लगाएंगे तो भी बहुत तेज़ से जलेगा बल्ब, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है बात कि अगर आपके पास बैरिक है तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ते हुए वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे कि जैसे हमारा ये 90 वोल्ट है तो 90 वोल्ट के बाद यहाँ पे जो जितने जैसे 140 से 139 वोल्ट, फिर ऐसे उसमें मतलब प्लस करते जाइए 30 वोल्ट का या 25 वोल्ट का, जो भी जैसा डिजाइन हो डिफरेंस, ऐसे ऐसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पे आप 220 यहाँ पर दिए और यहाँ पर दिए, लास्ट में आपके पास बैरिक नहीं है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करेंगे, अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं, फिर रिले का फंक्शन हम इसके बाद बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी इनपुट होता है तो वो सप्लाई कहाँ जाती है, जैसे ये इनपुट है ये, और एक इनपुट ये है, ठीक, एक इनपुट ये है हमारा, तो ये न्यूट्रल हो गया जो कि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा होगा कामन के रूप में, क्योंकि कामन इसलिए कहते हैं कि कामन यहीं से जो है इसका जो है आउटपुट भी ले लिया जाता है और इनपुट भी कराया जाता है। अब ये जो फेज यहाँ पे इनपुट होगा इस पोल पे रिले के, तो देखेंगे तो सबसे पहले वोल्टेज कोई भी वोल्टेज होगा, चाहे 200 हो, 300 हो, या कोई वोल्टेज हो, तो कुछ सेकंड के लिए
कुछ नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे, नैनो सेकंड इसलिए बोल रहे हैं कि जितना देर मतलब उसको रिले को वर्क करने में मतलब टाइम लगेगा, उतने देर का प्रोसेस बताते हैं। उतना देर यहाँ पे जैसे कोई चीज़ होता है इसे टच करके हटा लें, उतना देर के लिए वो वोल्टेज यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले सारे रिले ऑफ हैं, और ऑफ कंडीशन में अगर वोल्टेज इंटर होती है तो पहले ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया। फेज इन हुआ तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन हुआ तो ये है पोल और ये है हमारा एन सी और ये है एनओ, यानी एनओ मतलब हुआ नॉर्मल ओपन, तो ये ओपन है और ये क्लोज है, यानी इससे जुड़ा है। तो एन सी मतलब नॉर्मल क्लोज, तो क्लोज में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जुड़ा है, तो ये सब सप्लाई जैसे यहाँ इन हुई तो यहाँ गई। अब यहाँ से देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है वायर, फिर पोल पे आया, जैसे इसके पोल पे, फिर पोल पे आया, तो ये भी रिले जो है चूँकि क्लोज में है, तो क्लोज में क्या है क्योंकि रिले ऑफ है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। फिर ये कनेक्ट है, तो ये यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अब क्यों? क्योंकि ये जो है ऑफ ही कंडीशन में है, क्लोज में है, फिर यहाँ पे पोल पे आया, फिर ये रिले जो है क्लोज कंडीशन में है एन सी मोड पे। अब ये जो सप्लाई यहाँ से जो इंटर हुई, अब यहाँ सीधे ये रास्ता पाया यहाँ और गया यहाँ पे पहले, ठीक है। और जैसे इसमें गया तो इसका जो ये हमारा एल टी बाइंडिंग होता है, ये जो जिसे फीडबैक लिया जाता है, ये एल टी बाइंडिंग से जाके जो सर्किट को ऑपरेटिंग करने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो सर्किट बोर्ड होता है स्टेबलाइजर का ऑटोमेटिक, वहाँ पे जाके अपनी सप्लाई देगा। सप्लाई के अनुसार इसे सेंस कर लिया जाएगा कि इसका मोमेंट क्या है वोल्टेज का, उसी के अनुसार रिले को ऑटोमेटिक तरीके से सेट कर देगा ऑन ऑफ करके। और डिटेल आपको इसको बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ से बनाना होगा, इसलिए हमने जो है इसे समझने के लिए भी एक डिमांड पे बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।